सुनिए कानपुर के एक मुसाफिर की जुबानी, किस तरह केदारनाथ में पल भर में ही एक दो नहीं बल्कि 15,000 लाशें मलबे में तब्दील हो गई। बाही का मंजर ये है कि आपका गौरीकुंड में जो बस स्टेशन होता है जहाँ से यात्रा शुरू होती है वो पूरा साफ हो चुका है, वहाँ से लेकर के केदारनाथ मंदिर जी तक बीच बीच में सारे रोड खत्म है, ब्लॉक है और मंदिर के आसपास जितने भी धर्मशाला वगैरह है सब खत्म हो चुके हैं। अनुमानित जो डेथ है वो लगभग 10,000 और 15,000 के बीच में। केदारनाथ के ही रहने वाले एक पीड़ित ने भी खौफनाक मंजर का पूरा किस्सा बयान किया। ये दर्द यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब भी आंखों के सामने वो जब दर्शन वो हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, हम बस कैसे गए उस टाइम से। आता-आताओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है, उसमें लोकल भी है। उत्तर काशी में पहाड़ से बरसी मौत। गुजरात से आए 300 मुसाफिर लापता। गुजरात से आए 300 लोगों का जत्था अलग अलग बसों में उत्तरकाशी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक भूस्खलन हुआ। देखते ही देखते आंखों के सामने कई अपनी मौत की आगोश में समा गए। हम उत्तरकाशी से आगे जा रहे थे तो वो बीच में गिरे, पत्थर गिरे तो रास्ता छपक हो गए। 300 आदमी फंस गए। पिथौरागढ़ में बह गए मकान, नदी की धारा में बह गए अपने। ये खौफनाक मंजर है पिथौरागढ़ का। देखिए किस तरह यहाँ दुकानों और मकानों को नदी अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। इस बूढ़ी औरत की पलकें दो दिन से इसी तरह भीगी हैं। रो रो कर बुरा हाल है। तबाही इस बुजुर्ग महिला के पति को न जाने कहां अपने साथ बहा ले गई।